नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ रुचा वर्मा। खबर मंडल मुरादाबाद से है, जहां कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में आज सैकड़ों कर्णी सैनिक हनुमान मूर्ति तिराहे पर एकत्रित हुए और संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सभी कर्णी सैनिकों को हनुमान मूर्ति पर रोक लिया गया। कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा शासन और प्रशासन से मांग की गई कि सरकार या न्यायपालिका का कोई लिखित आदेश दिखाया जाए, जिसमें यह सिद्ध हो सके कि संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक नहीं किया जाएगा। कर्णी सैनिकों ने कहा कि हम प्रशासन की मनमानी को नहीं मानेंगे। इस दौरान कर्णी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर अंकित सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन अवनीश चौहान, जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह कठेरिया, मंडल अध्यक्ष हिमांशु चौहान, मंडल अध्यक्ष युवा शक्ति अभिषेक सिंह कठेरिया, मंडल अध्यक्ष मुख्य इकाई हिमांशु चौहान, जिला अध्यक्ष युवा शक्ति अभिरित प्रताप सिंह, ठाकुर तनवीर सिंह, कुलदीप सैनी, चैतन्य सिंह राणा, अमित ठाकुर, प्रिंस ठाकुर, जीत पासी, अंकुल ठाकुर, मोहित चौहान, शिवांग राजपूत, टिंकू राघव, दानवीर राघव, सुरेश ठाकुर, हरवेंद्र चौहान, अभिषेक चौहान, अमित ठाकुर आदि सहित शिव सैनिक मौजूद रहे। आज हम सभी कर्णी सैनिकों का ये संकल्प था, हम कल ब्रजघाट से जल लेकर आए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि हम संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें यहाँ हनुमान मूर्ति तिराहे पर रोक लिया गया है। तमाम आप देख रहे हैं, पुलिस के जवान, पुलिस के आला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, ACM साहब और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर एकत्रित है। हमने प्रशासन से कहा कि हमें कोई लिखित आदेश दिखाइए शासन का या न्यायपालिका का, के जिसमें वो लिखा हो कि वहाँ पर जलाभिषेक नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई आदेश इनके पास नहीं है और हम इस मनमानी को नहीं चलने देंगे कि वहाँ के मुस्लिम अगर ये चाहते हैं कि वहाँ पर पूजा नहीं होगी तो हम ये प्रयास करते रहेंगे, हम फिर प्रयास करेंगे वहाँ जाने का और हम उस मंदिर में जलाभिषेक जरूर करेंगे। अच्छा, ACM और CO साहब भी यहाँ पर आए थे, क्या आश्वासन आपके आपको? नहीं, देखिए, आश्वासन ये हमें हर बार ये आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मांग सरकार तक पहुँचाएंगे, लेकिन आप देखिए ज्ञानवापी मस्जिद में, ज्ञानवापी मंदिर में अभी भी लोग से मस्जिद बनाकर वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं कोर्ट की अनुमति के अनुसार, और हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये शरीयत के कानून में विश्वास रखते हैं। तो मंदिर में हम अभिषेक करेंगे, हिंदू संगठन इस बात के लिए बाध्य हैं, हम प्रयास करते रहेंगे। क्या कोई मेमोरेंडम दिया है कि क्यों आपको राष्ट्रोक्रम लिया गया? नहीं, हमने मेमोरेंडम कुछ नहीं दिया है, हमने एक ज्ञापन इन्होंने हमसे हम लिया है और इन्होंने कहा है कि हम आपकी बात शासन तक पहुंचाएंगे। LIU के भी लोग थे, इन्होंने कहा है कि शासन तक पहुंचाएंगे और कोई ना कोई समाधान निकलेगा। आज कर्णी सेवन के आपके जो आपके यहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा आपका संभल में हरिहर मंदिर के जल चढ़ाने के संबंध में आपका क्या ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि आपकी इस समय आपके त्योहारों का और बाकी चीज़ें हैं, शांति व्यवस्था का इशू है, तो इसमें एक धारा 151 लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का सौहार्द ना बिगड़े, इसके संबंध में इनका ज्ञापन यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। तथा इनसे अपील की गई है कि वो आपका संभल ना जाकर अपनी आस्था का जो बिंदु है वहाँ पे अपना जो जल संभल जाना चाहते हैं, इनको क्या आश्वासन अभी दिया गया? नहीं, यही है कि आप अपना क्या नाम है, आपके यहीं पे जो आसपास में जो भी आपके शिव मंदिर है उसमें अपना जलाभिषेक का है, आस्था का सभी केंद्र होते हैं। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।